हेलो फ्रेंड, आई एम सारिका। वेलकम बैक टू आवर चैनल सारिकाज क्रिएटिव हब। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 बेस्ट अमेजॉन प्रोडक्ट फॉर होम। इन प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज करने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। इन प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स सी द वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रिवॉल्विंग प्लास्टिक ट्रे फॉर डाइनिंग टेबल। ये हमारे डाइनिंग टेबल को एक रॉयल लुक देता है और काफ़ी स्टर्डी और ड्यूरेबल भी है, और ये काफ़ी स्मूथली घूमता है और कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करता, और इसे क्लीन करना भी बहुत ईजी है। और ये ABS प्लास्टिक विथ पाउडर कोटेड MS फ्रेम हाई ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है। इससे हमारा टेबल ऑर्गेनाइज दिखता है और इसे रखने के बाद भी आराम से टेबल पे खाने के लिए काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है। इसमें हम 8 से 10 चीज़ों को आराम से रख सकते हैं, और इस रिवॉल्विंग ट्रे की वजह से हमें इसमें से कोई भी चीज़ निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड, देखा आपने हमारा ये मल्टीपर्पज किचन ऑर्गेनाइजर कितना यूजफुल है हमारे हाउस होल्ड के लिए। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा लैपटॉप स्टैंड। इसके लाइट वेट डिजाइन से इसे किसी भी लैपटॉप बैग में या किसी भी बैग में कैरी करना बहुत ईजी हो जाता है। आप इसे ऑफिस ले जाना हो या कोई भी मीटिंग अटेंड करना हो, इसके लिए काफ़ी सूटेबल है। ये लैपटॉप स्टैंड बना हुआ है थिक एंड स्ट्रॉन्ग एल्युमिनियम अलॉय से, जो कि काफ़ी फ्लैक्सीबल, स्मूथली फोल्डेबल एंड ईजिली पोर्टेबल भी है। ये किसी भी साइज के लैपटॉप पे सूटेबल है। इस स्टैंड के बने हुए इस डिजाइन से लैपटॉप को स्लिप होने से प्रिवेंट करता है और अच्छा ग्रिप सपोर्ट करता है। जब हम टेबल पर लैपटॉप ज़्यादा देर यूज करते हैं तो उसमें से हीटिंग प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके वजह से लैपटॉप में इशू आने लगता है। तो इस स्टैंड को यूज करने से आपको डिवाइस में हीट फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसमें हवा का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहता है। अगर आप बेड पर भी रख के यूज करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप मोबाइल भी इस पर रख के यूज करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इस तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर आप बुक भी रख के पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। मेनली तो ये लैपटॉप के लिए स्टैंड बना हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि हम इसे कितने सारे पर्पज में यूज कर सकते हैं। थर्ड प्रोडक्ट है हमारा ब्लैकआउट कर्टन फॉर बेडरूम। वेरी स्मूथ एंड सिल्की पॉलिस्टर विथ ट्रिपल लेयर फैब्रिक, और इसमें लगी हुई वेलक्रो टाई बैग, जिससे कि हम आसानी से अपने पर्दों को बांध के रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये कर्टन सन ब्लॉकिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। आप देख रहे हैं कि मेरे बेडरूम में कितनी तेज सनलाइट आ रही है, और ये कर्टन काफ़ी इफेक्टिव है बाहर की लाइट को ब्लॉक करने के लिए। और ये वीडियो मैंने अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock का लिया है, जिससे कि आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है। और सेकेंड वीडियो मैंने 3-4 घंटों के बाद शूट किया, ताकि आप कंपेरिजन कर सकें और बेस्ट रिजल्ट देख सकें। इस टाइम भी बेडरूम में काफ़ी तेज लाइट आ रही है, और कर्टन लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि अब बेडरूम में कितना अंधेरा हो गया है। तो फ्रेंड, देखा आपने कि ये कर्टन कितना इफेक्टिवली ब्लॉक करता है बाहर की लाइट को एंड मेक योर बेडरूम डार्क एंड कोजी। फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा एशियन पेंट का इजी क्रिएट एक्रेलिक मैक्स फॉर जॉइंट गैप एंड क्रैक्स। इट वर्क वेरी वेल ओवर क्रैक्स एंड ओपन जॉइंट बिटवीन वॉल, विंडो, डोर, स्विच बोर्ड एक्सेट्रा।
इसे यूज करना बहुत ईजी है। इस पैकेट को बस इस तरह से कट करके डायरेक्टली उस गैप में फिल कर लें। और यूज करने के बाद बचे हुए पैकेट को आप इस तरह से सील करके रख सकते हैं। मेरे बेडरूम में इस स्विच बोर्ड को आप देख सकते हैं कि साइड से कितना गैप आ गया है, जो कि देखने में कितना पूरा दिख रहा है। तो इस एक्रेलिक सीलेंट को डायरेक्टली गैप वाली जगह पे इस तरह से फिल कर लेंगे। यू कैन अप्लाई आइदर बाई हैंड और यूजिंग एनी पैलेट नाइफ। फिर फिंगर को वाटर में थोड़ा सा गीला करके उस एरिया में लगाने से वो जगह नीट एंड स्मूथ हो जाती है। और फिर लगने के बाद 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दें, या और हो सके तो एक दिन के लिए छोड़ दें बेस्ट रिजल्ट के लिए। सिमिलरली मेरे बेडरूम के डोर के बाहर भी एक बहुत बड़ा क्रैक हो गया था, जो कि देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। इस एक्रेलिक सीलेंट की हेल्प से आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इस क्रैक में फील करके कवर कर दिया। और एक और डैमेज मेरे वॉल के कॉर्नर में भी था। इसे भी कितना अच्छे से कवर कर दिया यूज करने के बाद। और अगर आपके वॉल पर नेल के होल हो तो आप उसे भी इससे कवर कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं डिफरेंस कि पहले ये कितना बुरा दिखता था और अब ये कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। फिफ्थ एंड लास्ट प्रोडक्ट है हमारा अंडर डोर डस्ट स्टॉपर। ये हमारे बाहर से आने वाली डस्ट एयर को ब्लॉक करता है और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी आने से रोकता है। इसके दोनों साइड में फोम ट्यूब लगी हुई है, जो कि काफी सॉफ्ट है। इसे क्लीन करना बहुत इजी है और ये बाहर के नॉइज को भी रिड्यूस करता है। अगर आपके रूम में एसी चल रहा हो तो ये एयर को बाहर से निकलने से ब्लॉक करेगा और रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे डोर के नीचे कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है। ये डोर के नीचे बहुत इजीली इंसर्ट हो जाता है और डोर के साइज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो तो कट भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ डस्ट या एयर को ही नहीं, बल्कि विंटर और समर में कोल्ड एंड हॉट एयर को भी ब्लॉक करता है। तो फ्रेंड, देखा आपने कि ये हमारा अंडर डोर डस्ट स्टॉपर कितना यूजफुल है हमारे घर के लिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, देन गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड। एंड इफ यू आर न्यू हियर, देन सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे नोटिफाइड व्हेन एवर द वीडियो इज पोस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।